हेलो टू ऑल ऑफ यू माय नेम इज कुमार वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का भाइयों का बहनों का और साथियों का स्वागत है मैं जितिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आ जाइए लाइव ताकि आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन आप सभी के समक्ष में स्टार्ट कर पाऊं कि दर्द डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है दर्द डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है तो खुद के बनाए हुए पिंजड़े से निकल तू भी एक सिकंदर है तू भी एक सिकंदर है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में जिसमें हम लोग करते हैं आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से साथियों दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस बिहार पुलिस एमपी पुलिस चंडीगढ़ पुलिस के लिए तैयारी आप इस क्लास को एस के लिए भी देख सकते हो अगर आप लोग एस एस सी सी किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू आप सभी से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इस क्लास में आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सेट होते हैं जो आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों यहां पर कराए जाते हैं तीन बजे यानी कि एक लेवल की क्लास जिसमें आप सभी को मैं बता दूं यहां पर आज जो मैं लेकर आया हूं यूपीएसआई के क्वेश्चन बेटा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन और मेरे साथ साथ दिल्ली पुलिस वालों ये 2022 के क्वेश्चन है मिनिस्टरल हेड कांस्टेबल सीपीओ 2022 ये दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है और यूपीएसआई मेरे बच्चों 2021 का जो 2022 में पेपर हुआ था तो क्वेश्चंस बेहतरीन है एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के सभी साथियों से कहूँगा पहले ही क्वेश्चन को दिखाने से पहले ये आप सभी के लिए मेरे बच्चों दिल्ली पुलिस का पूरा पैटर्न होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा सिलेबस होता है दिल्ली पुलिस का इससे बड़ा सिलेबस आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम का नहीं होता है यहाँ पर अगर आप देखोगे चाहे पजल हो सीटिंग अरेंजमेंट हो ब्लड रिलेशन हो सिलोजिज्म हो इक्वैलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन और साथियों आप सभी के लिए असर सर नीजन कोडिंग रिकोडिंग के बेहतरीन प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के बेहतरीन बेहतरीन एक बार यार सारे के सारे सेशन को शेयर कर दो लाजवाब तरीके से पहला ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए बेहतरीन 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 गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आंसर कीजिए भाई जल्दी से जल्दी सारे के सारे आज एक बुक लॉन्च हो रही थी जिस वजह से मेरे बच्चों समय लग गया हम लोग दस मिनट बाद आए थे मैं बीच बीच में कमेंट में भी कह रहा था कि दस मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी चलिए आंसर कीजिए युवराज अभी जाने की बात अभी जाने की बात नहीं चलिए आंसर कीजिए लड्डू आंसर करो बेटा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। दिमाग से देखो जरा एक बार सारे के सारे बोलो गुरुजी ये कौन है तो ये मैं ही हूं ध्यान रखना मैं शांति से बैठा हुआ हूं और तुम लोग आंसर करो बेटा ये आप सभी के सभी साथी देखो दो की घात तीन प्लस का एक हो रहा है आगे आएंगे यहां पर सारे के सारे ये तीन की घात तीन प्लस का दो हो रहा है सत्ताईस प्लस का दो आगे आइए ये, ये चार की घात तीन प्लस का तीन हो रहा है मेरे बच्चों आगे आइए सभी के सभी साथी पांच की घात तीन प्लस का चार हो रहा है मेरे भाइयों आगे आइए मेरे बच्चों भाई यहां पर जाएगा छः की घात तीन प्लस का पांच ठीक है और आगे क्या हो रहा है अगर आप देखोगे यहां पर सारे के सारे हाँ भाई सात की घात तीन प्लस का छ हो रहा है, है ना तो एक दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच तो तीन की छ की घात तीन होता है दो सौ सो सोलह प्लस का पांच का मतलब हो जाएगा दो सौ इक्कीस है ना दो सौ इक्कीस दो सौ इक्कीस इसका आंसर सही है चीजें इन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है भैया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इजी क्वेश्चन था बट इस क्वेश्चन को सभी के सभी साथी जरा अटेम्प्ट कीजिए त्रिभुजों की कुल संख्या निकालनी हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल विल बी देयर इन द गिवन फिगर त्रिभुजों की कुल संख्या निकालो भाइयों जल्दी से जल्दी सारे के सारे हाउ मैनी टोटल ट्राइंगल बिल बी देयर इन द गिवन फिगर आंसर कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है लाजवाब है आंसर कर दीजिए सौरभ आंसर करो कटप्पा मंजा आंसर कर जल्दी से जल्दी त्रिभुजों की कुल संख्या त्रिभुज निकालिए जल्दी निकाल निकालो हाउ मैनी टोटल ट्राइंगल विल बी देयर इन द फिगर सही है भाई आरती के आंसर कीजिए भाई सारे के सारे अजय रवि रुद्रा आंसर करो शिवी एक बार सभी के सभी साथी समय आप सभी के लिए खत्म होता हुआ बेटा यहां पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट से मेरे बच्चों इस वाली लाइन पर एक त्रिभुज बना इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पर दूसरा त्रिभुज और एक पूरा बड़ा त्रिभुज तीन त्रिभुज आ गए वो ही लिख कर जोड़ दीजिए और एक पूरा बड़ा वाला बेटा ये पूरा बड़ा वाला तो टोटल तो यहां से आ गए एक और तीन कितना हो गया मेरे बच्चों इस वाले से आ गए चार त्रिभुज कितने आ गए चार कितने आ गए चार एक त्रिभुज ये वाला हो गया और एक पूरा बड़ा वाला हो गया और इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनना बेटा दो त्रिभुज यहां से आ गए चार यहां से आ गए चार और दो छह आएगा इसका आंसर देखो इने ये है ओस की बूंदे कोनी पड़ जाएगी बहुत तेज यहां से पड़ेगी मैं बता रहा हूं मैं मैं बता रहा हूं मान जाओ गलत उत्तर करने वालों तुम्हें ये त्रिभुज दिख रहे हैं हे भगवान हे प्रभु हे यीशु हे हे ईश्वर हे अल्लाह हे गुरु ये त्रिभुज है अबे चतुर्भुज है ये मान जाओ भैया तीन तो यही आ गए दोबारा देख लो एक बार ध्यान से देखो सारे के सारे बड़ा तीन इसमें से आ गए एक पूरा बड़ा वाला आ गया एक पूरा बड़ा वाला एक पूरा बड़ा वाला बस इसके अलावा और कोई नहीं आएगा तो आंसर छह जाएगा आंसर सही है भैया कैसे कैसे लोग हैं बया नहीं हो पाएगा आंसर करो चलो जल्दी से बताइए इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यूपीएसआई का क्वेश्चन है ना मानो तो देख लेना मेरे बच्चों वो तो जगह नहीं थी वरना मैं यहां लिख देता भाई राधे राधे आंसर कर दो सारे के सारे सेशन को एक बार शेयर भी करेंगे मेरे बच्चों जल्दी से आप सभी के सभी साथियों से कहना चाहूंगा एक बार सारे के सारे शेयर कर दो भाई सारथी वैद से हैं बहुत बढ़िया बेटा सारे के सारे सभी के सभी साथी आंसर कीजिए रोशन इस की, इस क्लास से फायदा ये होगा तुम सी के क्वेश्चन देख पाओगे दिल्ली पुलिस के देख पाओगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के देख पाओगे तो अच्छे क्वेश्चन है जो पास में होता है ना बेटा दर्पण में वो वास्तव में पास में होता है और जो दूर होता है वो वास्तव में बेटे दूर होकर भी दूर ही रहता है पास नहीं आता है तो अगर आप देखोगे एम बेटा दूर जाएगा एम एम उल्टा कहाँ आ गया ये उल्टा क्यों आ गया बेटा दर्पण पृथ्वी में लेफ्ट का राइट होता है लेफ्ट का राइट हो जाता है राइट का लेफ्ट हो जाता है ठीक है बेटा टॉप बॉटम नहीं होता ध्यान रखना पी उल्टा कैसे बना हुआ आ रहा है पी बिल्कुल सीधा आएगा बना हुआ उल्टा मतलब ऐसा हो जाएगा लेफ्ट राइट ऑप्शन नंबर बी ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंसर कीजिए गंगा 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 कॉपी पेन उठा लो क्योंकि अगला इससे अगले से अगला बेटा आप सभी के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है आप सभी को आंसर करना है किसी सांकेतिक भाषा में मुझे नहीं लगता सीजीएल का क्वेश्चन है सीजीएल का सीजीएल का क्वेश्चन है माता रानी की कसम बता रहा हूं सीजीएल का क्वेश्चन है ये 2020 या 21 का क्वेश्चन है बेटा आप सभी के लिए आंसर कीजिए किसी सांकेतिक भाषा में गंगा को गंगा को लेकिन इजी है अगर ये बने हुए नहीं होते ना तब दिक्कत होती इसमें ये बने हुए हैं ध्यान से देखो सारे के सारे आंसर कीजिए भैया कोशी को कुछ लिखा जाता है फिलहाल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो गोमती को क्या लिखा जाएगा गोमती बेटा गोमती को क्या लिखा जाएगा गोमती गोमती को क्या लिखा जाएगा गोमती को क्या लिखा जाएगा ठीक है भाई अगर आप देखोगे यहां पर सारे के सारे मेरे बच्चों हाँ भाई जी कितने पर आता है सात पर ए एक पर एन चौदह पर जी सात पर ए एक पर तीन गुना हो रहा है 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 कितना गुना हो रहा है तीन गुना हो रहा है बेटा जी सात पर है ओ पंद्रह पर है एम तेरह पर है आज सात सौ से ऊपर लेकर चलना है सभी को सारे के सारे मेरे बच्चों एक बार शेयर कर दो भाइयों यहां तीन गुना होगा तो इक्कीस आएगा फिर आगे तीन गुना होगा तो बेटा पंद्रह पैंतालीस आ जाएगा फिर आगे तीन गुना होगा तो मेरे बच्चों उनतालीस आ जाएगा फिर आगे तीन गुना होगा तो साठ होगा मेरे भाइयों हो। आगे तीन गुना हो जाएगा तो सत्ताईस होगा मतलब साठ सत्ताईस लास्ट में आएगा तो आप सभी के लिए आंसर जो जाएगा वो सी ऑप्शन सही जाएगा इक्कीस पैंतालीस सही है भाई सारे के सारे सी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर कीजिए वाह क्या बात है बेटे यूपीएसआई का क्वेश्चन है लगा के आग दौलत की हमने ये शौक पाले है कोई पूछे तो बता देना हम एग्जामपुर वाले बेटा यहां पर क्या बात भाई साहब ये देखो कितने इसके कोट के रंग चेंज हो रहे हैं व्यक्ति के आंसर करो हमने तो इंसानों के रंग होते हुए चेंज देखे हैं तो फिर भी कपड़े चेंज कर रहा है भाई आंसर करियो क्या लिखा है मूल रूप से मतलब ओरिजिनली बेटा मूल रूप से श्योल की लड़कियों की शादी तेईस की आयु में जरूर होगी मतलब बेटा तेईस साल की एज में लड़कियों की शादी होगी श्योल मूल निवासी सियोल की मूल निवासी 24 वर्ष की लड़की जून की बहन है 24 वर्ष की लड़की जून की बहन है और जो उससे दो वर्ष छोटी है दो वर्ष छोटी है बेटा दो वर्ष छोटी है तो जून की एज कितनी होगी अगर कोई तुमसे दो वर्ष छोटा है और वो 24 वर्ष का है तो बेटा जून की एज कितनी होगी बाबू 26 होगी आइए आ ये बहुत प्यारा प्रश्न है बेटे जिनने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया उसको मेरी तरफ से जहां कहोगे वहां पार्टी बेटे बोथ रॉन्ग तो गलत आ रहा है तुम्हारा क्योंकि अभी बताऊंगा पहली बात तो जून की एज दो वर्ष छोटी है भाई ये लड़की जून से दो वर्ष छोटी है जून की एज कितनी हो गई छब्बीस अब बताओ और तेईस साल में शादी हो जाएगी जरूर जरूर शादी हो जाएगी इसका मतलब जून की शादी हो जाएगी क्या जितने भी बच्चे कह रहे हो ये गलत है क्यों अवे भैया जून का जेंडर नहीं पता जून का जेंडर नहीं पता ओनली फर्स्ट राइट वालो इधर से पढ़ेगी कोनी उई, उई, उई उई करते नाचोगे जून लड़का है या लड़की क्या पता चल रहा है सिर्फ लड़कियों की शादी हो रही है तेईस वर्ष से ज्यादा में लड़कियों की जून का जेंडर नहीं पता पहला वाला गलत है ये बिल्कुल गलत सिर्फ लड़कियों की मेरे कई दोस्त हैं जिनका नाम लड़कियों जैसा है जैसे उज्जवल है ना जैसे और कई सारे नाम है बेटा समझ रहे इस बात को तो ऐसे लड़कों लड़कियों का नाम बाबू सेम हो सकता है जब जेंडर नहीं पता जून की बहन विवाहित है यह बात सही है कि जून की बहन 24 साल की है तो बेटे 23 साल से ऊपर में जरूर हो जाती है 23 साल तक तो बेटा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है सही है सही भैया ओनली टू आ जाएगा बोलो या ना मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं क्या बताऊं तुम लोगों को आंसर करो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बहुत बेटे क्वेश्चन का लेवल चेक कर लो सभी के सभी साथी क्वेश्चन का लेवल चेक कर लो सारे के सारे और अगर लेबल में मजा ना आ रहा हो ना जा सकते हैं आप लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है अच्छे से आंसर करना है बोला क्या है सभी पिलर फनल है करिए भाई सारे के सारे मैं डायग्राम बना रहा हूँ लास्ट तक बने रहना सभी को सभी पिलर क्या है बेटा फनल है सभी पिलर फनल है आगे आइए और सब कुछ पिलर साथियों स्टेपुला है स्टेपुला है स्टेपुला चलिए ये बन जाएगा कुछ पिलर स्टेपुला है और सभी पिलर फनल है पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं ये गलत हो गया कुछ पिलर फनल नहीं है गलत और कुछ स्टेपला पिलर है बेटा बिल्कुल ठीक है कुछ स्टेपला पिलर है जब आप कुछ का संबंध होता है तो इसे रिवर्स में लिख सकते हो मैंने हजार बार बताया है इसमें बीच में कुछ छुपा हुआ था रिवर्स लिख सकते हो बिल्कुल ठीक है तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ओनली सेकेंड फॉलो आंसर कीजिए क्वेश्चन कहां का है ये ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा जरा सीपीओ का क्वेश्चन है सीपीओ का सीपीओ का क्वेश्चन है यार सेशन को लाइक कर दो भाई जल्दी से जल्दी सारे के सारे पहले तो आंख से आंख मिलती थी सर जब प्यार होता था अब आंख से आंख मिलती है तो आंख लाल हो जाती है इस बीमारी से बच के रहो अबे आंख से आंख नहीं बेटा नजर से नजर मिले बेटा वो वाला सूट करता बाबू ओमविर तुम्हारी शायरी में मजा नहीं आया आंसर कर दो जल्दी से जल्दी सारे के सारे सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो और रोज इस क्लास को मिलना है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत चीजें अच्छी मिलेंगी जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखो यहां ग्रुप ऑफ सेट दिया हुआ है अगर आप देखोगे यहां पर अगली संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है बेटा तेरह से मल्टीप्लाई यहां पर पंद्रह से मल्टीप्लाई हो रही है ठीक है बच्चों और ये तेरह का वर्ग हो रहा है और ये जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उसका वर्ग हो रहा है ठीक है बच्चों इसका मतलब यहां वर्ग होना जरूरी है सब में वर्ग है इधर आओ यहां नौ से मल्टीप्लाई हो रही है नौ का वर्ग होना चाहिए था गलत चा... यह आंसर गलत है क्यों इसका रीजन क्या है पांच की अगली संख्या से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी बेटा अगली यह तो चार से मल्टीप्लाई हो रही है माइनस हो रहा है ना बेटा प्लस होना चाहिए था यहां पर प्लस होना चाहिए था इसीलिए बी ऑप्शन गलत है इधर आइए या ग्यारह की ग्यारह से मल्टीप्लाई हो रही है तो ग्यारह का वर्ग होना चाहिए था यह नहीं है आंसर सी सही होगा कैसे ध्यान से देखो बेटा छह बयालीस और उनचास अगर मैं देखूं यहां पर छह सत्ते बयालीस हो रहा है और यहां सात का वर्ग हो रहा है बेटा उनचास ठीक है तो ऑप्शन नंबर जितने भी बच्चे ए कह रहे हैं दे आर इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथमेटिकल वाला मैथ में आया था वो बाद में बताऊंगा दिल्ली पुलिस में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट गिवन इमेज इन दिस सीरीज फिगरल सीरीज के दो क्वेश्चन आए हैं दिल्ली पुलिस में हर सेट में बेटे एक बार सारे के सारे लाइक कर दो सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर दो अंत तक बने रहना आंसर कर दीजिए भाई सारे के सारे एग्रीकल्चर वर्क बेटा आंसर कर दो इस बार कट ऑफ कितना जाएगा मेरे महानुभावों मैं तुम्हें बिना पेपर बताए हुए बता दूं तुम्हारा पेपर मतलब कैसा आया है कि कट ऑफ बता दूं बेटे बिना पेपर देखे ऑफ पता चल जाती है क्या या मेरे अंदर वो यंत्र है भाई साहब कतई लगा हुआ है जो डिटेक्ट दूर मुझे बेटे निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब ये नहीं है मैं निकट की चीजें देख लूंगा या दूर की चीजें देख लूंगा समझ में आ रहा है इस बात का मतलब मैं इतना भी वो नहीं हूं फ्यूचरिस्टिक कि मैं तुम्हारा पेपर देख लू कैसा आया होगा चलो इधर आओ डी आंसर कर रहे हैं ये देखो सारे के सारे बेटा दिल देख लो काम बन जाएगा क्योंकि दिल का देखना बहुत जरूरी होता है ये दिल है, दिल 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 है है इधर 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 आ आ आ गया 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 मेरे बच्चों दिल इधर आ गया, और दिल बेटे हालांकि ब्लैंक अब जो आएगा ना मेरे भाई दिल यहां आएगा दिल का आएगा मेरे बच्चों यहां आएगा ठीक है तो ये वाला ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए आगे आइए यहां पर अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी सही है इसको देखो ये त्रिभुज मेरे बच्चों आप सभी के लिए त्रिभुज का क्या हो रहा है त्रिभुज आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री अब ये त्रिभुज ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ कहां जाएगा बेटा ऊपर की तरफ तो ये वाला गलत है ऑप्शन नंबर डी ठीक है बेटा ऑप्शन नंबर डी ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर डी उड़ाना था उड़ाना आंसर कीजिए बच्चों हरि प्रसाद चौरासिया जी क्वेश्चन आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस का है मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल हरी हरि प्रसाद चौरासिया जी बासुरी से रिलेटेड है बिस्मिल्ला खान किससे रिलेटेड है बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला खान किससे रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सरोद तबला सितार और सहनाई

सही है भाइयों आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा चलिए इजी क्वेश्चन है जरा निकालो सारे के सारे इस क्वेश्चन ओ माय गॉड आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर कीजिए भाई जल्दी से बेहतरीन क्वेश्चन है एक बार सारे के सारे सही है भैया छह विद्यार्थी अगर तुम लोग ना बैठा पाए तो तुम खुद को कैसे बैठा पाओगे एग्जाम में हैं? बहुत है बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी छह विद्यार्थी गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर देख रहे हैं बेटा छह विद्यार्थी एक दो साथियों तीन ये चार और पाँच और छः यहां पर ध्यान रखना सभी के सभी साथी जब आप छः लोग बैठा रहे होगे तो क्लॉकवाइज वाइज बाया होता है एंटी क्लॉकवाइज वाइज दाया होता है चलिए क्वेश्चन इजी है निकालो जरा सारे के सारे मेरे बच्चों सभी के सभी साथी देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे तीस सेकंड का टाइमर देखो मैं तुम्हें डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं और साथ ही साथ एक मिनट में मैं बनाऊंगा लो मैं तुम्हें डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं और एक मिनट में मैं बनाऊंगा बेटा एक मिनट में मैं बनाऊंगा करिए सर आपको तो धीरज शास्त्री समाज सर रहे हैं कट ऑफ हाँ यार वही वाली बात अरे वो धीरज शास्त्री ये वही वाले हैं ना वो जो कट ऑफ बता देंगे है ऐसा कुछ नहीं है मैं समझ सकता हूं बेटा लेकिन आप तैयारी करो कम 75 से कम पिछहत्तर परसेंट से ऊपर की तैयारी करो एक मिनट बचा अब मैं स्टार्ट हो रहा हूं ध्यान से देखो दिव्या ईशान और आ, दिव्या और ईशान का निकटतम पड़ोसी अनन्या है मतलब अनन्या बीच में बैठी है दिव्या और ईशान के यहां से दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर बैठा है तो यहां पर आप सभी के सभी साथी अब ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर साथियों इनाया बैठी हुई है और अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निखिल बैठा है अब ये क्वेश्चन इजी है आप सभी के सभी साथी दिमाग से लगा लो इस क्वेश्चन को बेटा दिव्या और ईशान ईशान और ईशान और मेरे बच्चों भाई यहां पर दिया या तो दिया को इधर बना लो या इधर बना लो यहां पर इसके बीच में कौन बैठी है अनन्या बैठी है कौन बैठी है बच्चों अनन्या 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 अब यहां पर आप सभी के सभी साथी ध्यान से देखिए मेरे बच्चों सारे के सारे बोला हुआ है भाई ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर इनाया बैठी हुई है ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है इनाया बैठी हुई है सभी के सभी साथी तो अगर मैं देखूंगा बाबू इनाया दाएं तीसरे पर ईशान से है तो यहां पर अगर आप देखोगे ईशान को मुझे यही बनाना पड़ेगा और ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर इनाया बैठी है इनाया इनाया है ना आगे आइए सारे के सारे बोला है अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निखिल बैठा है अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निखिल बैठा है अगर अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निखिल बैठा है तो किसी भी कीमत पर मेरे बच्चों आप सभी के सभी साथी बाएं दूसरे स्थान पर यह गलत बन गया इसका मतलब अगर आप देखोगे यहां पर मेरे बच्चों आप सभी के लिए दिव्या यहां दिया यहां आएगी और अनन्या यहां आएगा मेरे बच्चों सभी के सभी साथियों से कहूंगा अनन्या यहां आ गई और अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निखिल आ गया बेटा निखिल क्या आ गया मेरे बच्चों निखिल ये आ गया ध्यान से देख लो सारे के सारे और अब आप बना सकते हो साथियों भाई दिया के दूसरे दिया के दाएं दूसरे स्थान पर दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ गया दिया के दाएं दूसरे स्थान पर दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ गया दिया के दाएं दूसरे स्थान पर दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ रहा है भाई दिया के दाएं दूसरे स्थान पर मैं अगर दिया को यहीं बैठाता हूं दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ रहा है दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ रहा है और अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निकल आ रहा है अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निकल बेटा अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर अनन्या के अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निकल आ रहा है ये बन जाएगा बाबू इस ये बन जाएगा बेटा सारे के सारे ठीक है सही है भाई सारे के सारे सारे के सारे ठीक है दिया ईशान के बगल में अनन्या आ गई दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ गया दिया के दाएं दूसरे स्थान पर अमर आ गया सही ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर इनाया इनाया अच्छा इनाया आ गई ये इनाया आ जाएगी ठीक है ये बन जाएगा इसका ठीक है बच्चों और सभी के सभी साथी अनन्या के बाय दूसरे स्थान पर निकल बैठा है अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर निकल बैठा है अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर ठीक है इनाया और अनन्या के बीच में कौन बैठा है इनाया और अनन्या के बीच में मेरे बच्चों आप सभी के लिए दिया बैठी हुई है कौन बैठी हुई है मेरे बच्चों दिया दिया बैठी हुई है कौन बैठी हुई है दिया इजी क्वेश्चन दिया बैठी हुई है ठीक है बच्चों दिया बैठी हुई है आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सिस्टम आप ओ माय गॉड क्वेश्चन करिए भाई जल्दी से क्वेश्चन इजी है सिस्टम का कोड क्या होगा सिस्टम का कोड क्या होगा निकालिए सिस्टम का कोड क्या होगा जल्दी निकालिए सिस्टम का कोड क्या होगा निकालिए भाई सही है भाई सिस्टम का कोड क्या होगा ध्यान से देखिए भाई सारे के सारे ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है सभी के सभी साथी ध्यान से देखो ये किसी एग्जाम में नहीं आया ये मैंने बनाया मेरे बच्चों ये मैंने बनाया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दिमाग से लगाओ यू बाबू लिखा है आर यू रेडी को कुछ ये लिखा जाता है निन्यानवे पच्चीस बी आर गोइंग उनचास पच्चीस सी लाइक स्टडीज को लिखा जाता है कुछ ये तो सिस्टम का कोड क्या होगा सिस्टम का कोड क्या होगा जितने भी भाई हैं ज़्यादा दिमाग से करिए भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सिस्टम का कोड क्या होगा सिस्टम का कोड क्या होगा उनचास बेटे ध्यान रखना ये जितने भी बिग बॉस के फैन है ना नालायकों ये वो ही वाला सिस्टम है ये मैंने बहुत चल रहा है ये सिस्टम मैंने कहा लगा लूं लेकिन जो बिग बॉस देखते हैं ना बेटा उनका मतलब बता रहा हूं उसका हिसाब गड़बड़ा जाएगा रोज दो दो घंटे का अगर तुम वो देखोगे तो पढ़ाई कब करोगे और उससे ज्यादा बेकार कुछ नहीं है मैं बता रहा हूं घर में ही भाई साहब ड्रामा होने लगेगा घर में ही चलो इधर आओ यहां ध्यान से देखो वो लड़ने का एक नया तरीका पता चलता है उनसे सारी चीजों से सब बेकार है यहां ध्यान से देखो बेटा ये आर में कितने तीन यू में कितने तीन रेडी में कितने पांच जैसे वो क्राइम पेट्रोल आवे ना उसमें क्या सिस्टम है मतलब बचने से तरीके से है उसको देख देख के लोग क्या कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल को उससे तरीका देख रहे हैं कि किसी को कैसे दूसरे को हानि पहुंचाए वो इसको देखकर लो, लो, लोगों को आइडिया आ रहे हैं ऐसे ये है सिस्टम है इसमें लड़ने का तरीका भाई साहब समझ रहे हैं इस बात को लड़कियों किसी की मत पर नहीं देखना इधर आओ इसमें तीन लेटर है इसमें तीन लेटर है इसमें पांच बेटा ये वर्ग तीन का वर्ग तीन का वर्ग पांच का वर्ग इसमें दो लेटर है इसमें तीन लेटर है इसमें पांच लेटर है दो का तीन का पांच का बेटा इसमें तीन लेटर इसमें पांच लेटर इसमें सात लेटर दो पांच सात सिस्टम में टोटल एस वाई एस टी यू एम एम इसमें टोटल नंबर कितने मेरे बच्चों चार और तीन सात लेटर है सात का वर्ग कितना होगा उनचास इसका आंसर सही होगा उनचास ठीक है बच्चों उनचास चलिए आगे आ जाइए सारे के सारे आंसर करो आंसर कीजिए सारे के सारे आंसर करो आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर कर दो बेटे आपको मैं कहां छुपी उसके सुन के लिए हाँ ये ठीक है बड़ा आपको बताना है सारे के सारे हाँ भाई कौन सा फोल्ड अनफोल्ड करके बनेगा जल्दी बता दो सारे के सारे इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाएगा मैं बता रहा हूं इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाएगा बेटे आंसर कर दो जल्दी से जल्दी सारे के सारे निकालो जल्दी से जल्दी सारे के सारे आ जाओ भाई सभी के सभी साथी आइए समय खत्म जब मैं इसे अनफोल्ड करूंगा ना बेटा तो ये आप सभी के लिए कुछ यहां बन जाएगा ध्यान से देख लो सारे के सारे और त्रिभुज का जो बनेगा ये बन जाएगा और ये वाला जो आएगा ना ये कुछ इस प्रकार से आएगा ध्यान रखना सारे के सारे ठीक है मेरे बच्चों मतलब फीलिंग समझो मेरी बाहर निकल गया वो बात अलग है और इसमें ये वाला पास में आएगा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे ठीक है मेरे बच्चों ये आएगा ध्यान रखना सभी के सभी साथ

जितने भी साथी हैं सभी के सभी साथी निकाल दो मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई भी क्वेश्चन को इजी मानकर नहीं चलता हूं आप सभी के सभी साथी बस एक बार अच्छे से करते चले जाओ बेटा सारे के सारे आंसर कीजिए भाई जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आंसर कर दो बेटा सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर करो बेटा सभी के सभी साथी आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई जल्दी से विच डायग्राम इज इम्बेटेड इन द गिवन फिगर आंसर कीजिए निकालिए बी आ रहा है बी आ रहा है बी आ रहा है पक्की बात है बेटा बी ही सही होगा क्यों अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो पोर्शन है ना बेटा ये वाला ध्यान से देखो यहाँ पर सभी के सभी साथी ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे बच्चों ये ये सी जी एल का क्वेश्चन है ध्यान रखना अगर आप देखोगे सारे के सारे बेटा ये वाला जो पोर्शन है बाकी जितने भी बच्चे गलत कर रहे हैं मैं भी बताता हूँ कहाँ गलती हुई है तुम्हारी ये जो पोर्शन है ना मेरा बच्चों ये वाला पोर्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें क्या गलती हुई है ये पूरा इतना तो सेम है इतना तो सेम है ये लाइन गलत आ गई ये वाली जो बीच वाली लाइन आई है बेटा ये गलत है ध्यान से देखो इसमें सभी के सभी साथी ये वाला पोर्शन है ये नीचे वाला ध्यान से देखो ये लेकिन लाइन नहीं आ रही है इसमें इसलिए गलत है यहां पर ये गलत हो गया ऊपर का इसमें बेटा आप सभी के लिए ये अगर आप देखोगे सारे के सारे यहां पर जो गलती हुई है बहुत छोटी सी गलती है अगर तुम डी ऑप्शन कर रहे हो तो बेटा ये लाइन ऊपर की यहां ध्यान से देखो ये कैसी आ रही है समझ रहे हो इसलिए गलत है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का ही सही उत्तर हो जाएगा बी बी विल द राइट आंसर आंसर कीजिए जल्दी से पूरा क्वेश्चन दिख भी रहा है आप सभी को राधे राधे आंसर कीजिए भाई एक बार सारे के सारे यार एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर और कर दो और मैं बता दूं रोज आप सभी के लिए क्लास चलती है मैं हट तो जाऊं यार आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना बड़े बड़े सीरियल का क्वेश्चन है ये भी करो मनीषा सेशन को लास्ट तक एक बार सभी के सभी साथी देखेंगे कोई भी जाएगा नहीं एक बार सारे के सारे आंसर कर दो बेटा आंसर कीजिए सही है भाई ध्यान से देखो मैं इन दोनों में पकड़ लूंगा कॉमन और यहां पर अगर आप देखोगे इन दोनों में यही कॉमन है पकड़ के घुमा दो पकड़ के घुमा दो फ्रॉम द डाइज वन यू विल गेट डॉलर एट द रेट एंड और फ्रॉम द डाइज टू यू विल गेट डॉलर परसेंटेज और हैश ठीक है और जो बचा वो साथियों डॉलर का विपरीत हो जाएगा तो डॉलर का विपरीत जो होगा इसमें डॉलर का विपरीत कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम डॉलर का विपरीत जो दिख रहा है वो जी मानेंगे क्या मानेंगे बेटा जी भाई अगर आप देखोगे एट द रेट को ए, भाई एंड का विपरीत हो एंड इसमें ये कहां से आ गया सारे के सारे बेटा आप सभी के लिए ये गलत हो गया आगे आ जाइए सभी के सभी साथी ये वाला साइन यहां इसका विपरीत एंड होना चाहिए था इसीलिए गलत है पहला वाला आगे आइए यहां पर इसका हैश का विपरीत एंड का साइन होना चाहिए था ये भी गलत है आगे आ जाइए सारे के सारे बेटा यहां पर आप सभी के लिए हैश का विपरीत परसेंटेज है गलत ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि एट द रेट का विपरीत परसेंटेज आ गया एट द रेट का विपरीत परसेंटेज आ गया एंड का विपरीत हैश आ गया एंड का विपरीत हैश आ गया और जो बचा साथियों आप सभी के लिए साथियों डॉलर का विपरीत जी आ गया ऑप्शन नंबर बी ठीक है इस प्रश्न का उत्तर अच्छा क्वेश्चन है निकालिए सर हम हिमालय पर जा रहे हैं बेटा बिल्कुल जाओ बिल्कुल बेटे आ जाइयो सो कभी वहीं रुक जा हिमालय पे जा रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है नालायकों से आंसर करो जल्दी से जल्दी अकेले मत जइयो एक हाथ को लेके चलियो मैं बता रहा हूं आंसर करिए भाई एक बार सभी के सभी साथी यार तुम लोग ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सेल्फिश नेता हो तुम को, जो कोई किसी को कुछ नहीं देता सेशन को लाइक like कर दो एक बार और बच्चों मैं रोज आओ आप सभी के सभी साथी रोज मैं गारंटी देता हूं 20 से 25 दिन मुझे दे दो तुम पूरी रीजनिंग समझने लगोगे और दो महीने में ऐसे करोगे क्वेश्चन सतासठ सतासठ सट भाई साहब एकदम से यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो मैं बताऊं मोबाइल फोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है टैब टैब लैपटॉप भी एक साथियों आप सभी के लिए टेबिल है टेबल साथियों मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है लेकिन टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है यहां पर ध्यान से देखो यहां पर टेबल साथियों गैजेट नहीं है साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं एक बार ध्यान से टेबल का इससे कोई संबंध नहीं होगा ना टेबल का लैपटॉप से कोई संबंध होगा ठीक है बच्चों तो टेबल अकेली बाहर जाएगी आप आज सभी के लिए आंसर डी बनेगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैसे ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो जाएंगे ये मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएंगी ये और ये हो जाएगा मोबाइल फोन और ये हो जाएगा बेटा लैपटॉप और ये हो जाएगा मेरे बच्चों आप सभी के लिए टेविल, टेविल, मेज 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 अरे क्या क्या को को हिंदी में, को हिंदी में में कहते हैं मेज, आंसर क्या होगा होगा डी बी बी वालों मैं मान जाओ बी वालों बेटे जिससे चाहते हो उससे बी आना हो पाएगा खामो फा वो भी खुश नहीं रहेगा तुम भी खुश नहीं रहोगे जीवन में फिर बता रहा हूं बड़ी देखो शादी तो होनी है उनकी जल्दी हो जाएगी समझो लड़कों इंतजार ज्यादा नहीं करते घर वाले समझो आधे से ज्यादा तो इसमें वो होंगे जो सोच रहे होंगे भाई कैसे ना कैसे करके एक की तो लग जा और लड़कों उनकी लग गई ना तो फिर तुम्हारी भी लग गई समझ लो लग गई तुम्हारी लग गई फिर समझ लो बेटे नहीं नहीं करेंगी शादी जब तुम्हारी नहीं लगी बेटा तुम्हारी लगनी जरूरी है लड़कों कभी सोचो तुम इस बात को ये बहुत घनी बात है मतलब बहुत रेयर बात है मैं तुम्हें आपस की बात बता रहा हूं बेटे तुम्हारी जरूरी है लगना ये क्या है इन्होंने क्या करा टेबल को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कर दिया क्यों टेबल क्या बेटे कोई बटन करने बटन दबाने पर खुलेगी कोई हद हो गई है आओ आ गया आओ जल्दी से सारे के सारे करिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आंसर कीजिए सारे के सारे बेटा आंसर करो यार एक बार सारे के सारे सभी के सभी साथी शेयर कर दीजिए भाई चलिए भाई आंसर कीजिए भाई सारे के सारे पठान नवाज जी संदीप बाबू आंसर कर दे बेटा है ना आंसर कर दो बाबू तेरे आंसर जरूरी है मुझे यहां पर लिखा है ध्यान से देखिए बेटे एस एक महिला है इफ एस इज फीमेल अब एस का पी से क्या संबंध बताना है बेटा पी दो पी दो क्यू का मतलब है पी जो है वो पति है पी पंप है बेटा पी पंप है किसका क्यू का और क्यू महरारू है पी की अब यहां ऐसे सोचो सारे के सारे बेटा सभी के सभी साथी क्यू क्यू छ्यू छ मतलब है क्यू जो है वो आर की बहन है क्यू आर की बहन है मेरे बच्चों क्यू आर की बहन है आर छे आर जो है वो एस की बहन है बेटा और एस एक महिला है ये दे रखा है बेटा एस एक महिला है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एक महिला है बेटा यहां ध्यान से देखो लिखा हुआ है एस एक महिला है तो बोला है पी का एस से क्या संबंध होगा पी वो एस पी से क्या संबंध होगा हे hey भगवान इस दुनिया का सबसे सबसे प्यारा रिश्ता ये इनकी साली साहिबा कहलाएंगी क्या कहलाएंगी साली साहिबा कहलाएंगी एस जो है इनकी महारारू की बहन की बहन मतलब बहन होंगी तो जो साली साहिबा होती है वो सिस्टर इन लॉ में आती हैं भाभी साली ये सब जो आते हैं ये सिस्टर इन लॉ में आते हैं किस में आते हैं बेटा सिस्टर इन लॉ में सही है मेरे बच्चों साली साहिबा कहलाएंगे सही है भैया चलो आओ और ये इनके जीजू होंगे अगर उल्टी बात होती तो जीजू होते बेटे चलिए आंसर कीजिए भाई सारे के सारे क्वेश्चन प्यारा निकालो जरा सभी के सभी साथी सभी के सभी साथी एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे यार अंत तक बने रहो क्वेश्चन बड़े लाजवाब मैं तुम्हें किसी भी रूप में सेशन में पता है तुम मुझसे कहो ना गुरु जी अगर तुम्हें क्वेश्चन में खराबी लग रही है या क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा देखो एक चीज होती है कि क्वेश्चन टफ है एक क्वेश्चन है जब मैंने करा दिया फिर नहीं हो रहा तब तुम लोग मुझसे कहो बाबू मैं दो गुणा दो कराने नहीं आया हूं समझ रहे हैं आप इस बात को दो गुणा दो कराने होते तो आप किसी और अन्य क्लास में आ जाओ एम वाली क्लास में आ जाओ इजी चलता रात में नौ बजे सही है भैया तो आप सभी को ध्यान से देखो सारे के सारे सर एस एस की वैकेंसी बाबू अभी एस एस का कुछ कह नहीं सकते भाई एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सालिनी जी ने कहा यहाँ से बह मेरी बेटी मेरी बेटी के पिता मतलब मेरे हैडप की पत्नी मतलब मैं मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी अम्मी की इकलौता बेटा है मतलब मेरी अम्मी का इकलौता बेटा मेरा भाई होगा अब सालनी का उससे क्या संबंध होगा सालनी उसकी बहन होगी यार इसमें क्या करना है? अपने ऊपर ले जाओ ध्यान से देखो सालनी कह रही है मेरी बेटी का पिता मतलब मेरा पंप, मेरा पति मेरे पति की पत्नी मैं मेरे मतलब अब मेरे पिता मतलब मेरे पिता की पत्नी मेरी मम्मी का इकलौता बेटा है सालनी कौन होगी उसकी बहन लगेगी बेटा भाई बहन होगा ना तो सालनी का संबंध बताना है सानली उसकी कौन लगेगी बहन लगेगी दैट्स इट इजी क्वेश्चन था चलिए आइए जल्दी से जल्दी सारे के सारे ऐसी कितनी महिलाएं हैं ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से यार एक बार सारे के सारे सेशन को लाइक कर दो शेयर वेयर कर दो और हां भाई सुनो एक बार बता दूं विनोद यार ये इसका भी कमेंट पढ़ लू संदीप मानेगा नहीं ले एक मिनट एक बच्चा है बड़ी देर से एक कमेंट कर रहा है कि एक टीचर ने बच्चे से कहा कि स्कूल क्या है तो बच्चे ने जवाब दिया स्कूल वो जगह है जहां हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है बेटा मुझे कोई हंसी नहीं आई सीरियसली अब तू आधे घंटे से सिर्फ एक मैसेज कर रहा है मैं सीरियसली कह रहा हूँ मुझे नहीं आई हंसी बेटी तुम्हें पढ़ना होगा उसके लिए तुम्हारी जॉब के लिए तेरा ये मैसेज करने से तुझे क्या जॉब में फायदा मिलेगा कोई मिलेगा मान जा कुटाई हो जाएगी बहुत तेज ना लायक आओ इधर देखो जरा सारे के सारे लिखा हुआ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो महाराष्ट्र से हैं बेटा कितने फीमेल ये आधे से ज्यादा बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं कितने फीमेल ऐसे हैं विच इज फ्रॉम महाराष्ट्र महाराष्ट्र बेटा इकतीस करने वालों सबका उत्तर गलत है आंसर चालीस होगा कितना होगा चालीस होगा कितना होगा बेटा चालीस होगा जितने भी भाई कर रहे हैं जो भी भाई इकतीस आंसर कर रहा है एक बात तुम्हें समझनी होगी भैया ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाला ये वाला जो पोर्शन है भैया इसमें अगर केवल दिया हुआ होता ना केवल केवल दिया हुआ होता तब आप इसे हटा देते कंडक्टर को तब आप आंसर करते या तो नो बाबू नौ भी नहीं होगा बाबू या इकतीस बच्चों कितनी बोला हुआ है तो इसमें यह टोटल काउंट होंगी ऐसे में जब केवल या सिर्फ नहीं होता तो टोटल काउंट करते हैं आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सारे के सारे एक क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं अब आंसर कीजिए भाई जल्दी से जल्दी सारे के सारे आंसर करो भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर कीजिए सभी के सभी साथी सही है अर्चना वेरी गुड एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों मैं तुम लोगों के लिए कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है रात में नौ बजे वाली क्लास जरूर करना रात में नौ बजे वाली क्लास आज की ज़रूर करना मेरे बच्चों कितने बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं यूपी पी की बेटा मैं तुम्हें बता दूं तुम लोग इतना मैं तुमसे कहता हूं हो सकता है कल सुबह या शाम तुम्हारे भाई की क्लास हो यूपी पुलिस की बेटा यूपी पुलिस वालों आप सभी के लिए भी एक क्लास लेकर आ सकता हूं मैं रात में या सुबह और नौ बजे वाली क्लास में मैं तुम्हें आज बता दूंगा रात में नौ बजे वाली क्लास में कि तुम्हारी क्लास कितने बजे तो से है यूपी पुलिस की बेटे रात को नौ बजे वाली क्लास जरूर करनी है तुम सभी को तुम सभी को रात में नौ बजे क्लास जरूर करनी है आज की रात की नौ बजे वाली क्लास बेटा इधर आइए जिसमें मैं एमटीएस के लिए तैयारी करा रहा हूं बाबू यहां पर हो रहा है ये तेरह का घन है मतलब माइनस का दो हो रहा है आगे आइए यहां पर आएगा माइनस का दो करने पर पंद्रह और पंद्रह का जो घन जाएगा वो जाएगा तैतीस पिचहत्तर और तैंतीस पिछहत्तर ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन है निकालिए जरा सारे के सारे भाई एक बार सभी के सभी साथी आंसर कीजिए भाई क्वेश्चन प्यारा है चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे और बताओ बेटा चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे ठीक है आप लोग जैसा कहोगे वैसा चल लूंगा क्वेश्चन प्यारा है क्या सेल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए बेटा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तर्क तर्क हमेशा मजबूत होने चाहिए एथिकल बेस्ड होने चाहिए और उससे नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए हाँ सेलफोन की बैटरी सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने में जल्दी खत्म हो जाती है अब घर पर लेटे लेटे भी वीडियो देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पर तब भी खत्म होती है ये कोई लॉजिकल तर्क नहीं है गलत है ये आगे आई क्या सेलफोन की सार्वजनिक स्थानों पर जो यूज है वो गलत बेटा प्रतिबंधित किया जा जाना चाहिए उसे नहीं सेलफोन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वे आसानी से बंद हो सकते हैं या साइलेंट किए जा सकते हैं बेटा ये बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसा है तो उसे साइलेंट कर लो मीटिंग में भी लेके जाते हो ना या फिर उसे आसानी से स्विच ऑफ कर लो यहां पर यह बिल्कुल ठीक है कोई नीड नहीं है ऐसी कि भैया या तो उसे साइलेंट कर लो या फिर उसे क्या कर लो बेटा बंद कर लो ऐसा ही होता है मेरे बच्चों है ना तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड तर्क प्रबल है सेकंड तर्क प्रबल है आंसर कीजिए भाई जल्दी से सारे के सारे सभी के सभी साथी आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर कर दो सारे के सारे एक बार शेयर कर देंगे भाई सभी के सभी साथी 600 से ऊपर लेकर चलेंगे सारे के सारे बेटा यहां पर अगर आप देखोगे कितने का डिफरेंस है 5 का आगे आएंगे आगे का मुझे नहीं पता फिर आगे का नहीं पता फिर आगे भी पांच का है तुम पांच पांच का डिफरेंस लो तो यहाँ पर तेईस आ जाएगा और तेईस और पांच अट्ठाईस मतलब लास्ट में तेईस जाएगा पता है क्या का क्वेश्चन तुम मुझसे कहते हो ना सर इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा मैं तुम्हें बताऊँ सच बता रहा हूं मैं यूपीएसआई का क्वेश्चन है सर्च करके देख हाँ यूपीएसआई का क्वेश्चन है सर्च करके देख लेना बेटा आगे आगे और देख लो एम तेरह पर आता है मैं तेरह हीरो ओ पंद्रह पर आता है बेटा मतलब दो का गैप हो रहा है फिर आगे भी दो का ही गैप होगा तो यहां सत्रह हो जाएगा और सत्रह पर क्यू जाएगा फिर आगे आओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा उन्नीस उन्नीस पर कितना आएगा एस फिर आगे तो दो का गैप होगा तो बेटा आप सभी के लिए युवा कब होते हो लड़कियां तुम भी इक्कीस पर होती हो यह भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है निकालिए जरा जल्दी से जल्दी आंसर करो भाई एक एक सारे सारे, एक बार 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 सारे सारे के के सभी सभी जल्दी से जल्दी दी गई संख्या में श्रृंखला में अगला पद क्या होगा यह क्वेश्चन यूपीएसआई का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है था हर सेट में आया क्या हुआ है ध्यान से देखो तुम इसे ना देखकर इधर देखो बेटा स्टार्टिंग के और लास्ट के तीन तीन टर्म कम हो गए तीन तीन टर्म जो है वो तीन तीन बाबू कम हो गए अब फिर देखो दो दो टर्म ऐड हो गए दो दो टर्म स्टार्टिंग में और लास्ट में ऐड हो गए दो दो टर्म ऐड हो गए अब फिर से तीन तीन टर्म खत्म हुए होंगे कितने तीन तीन क्योंकि नीचा लिखा है ना तो ये तीन गए ये तीन गए अब फिर से दो दो जब आप ऐड करोगे तो बेटा यहां पर आएगा जी यहां आएगा ए यहां आएगा एन आई एस ए फिर उसके बाद में टी आई आएगा क्या आएगा मेरे बच्चों टी आई लास्ट में आएगा तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है भाई एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे भाई जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी निकालो जरा यार एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए यूपीएसआई का है कुछ बच्चे कह रहे थे यूपीएसआई में कलेंडर नहीं आया है बेटा हर सेट में कैलेंडर आया है यूपीएसआई के निकालिए भाई सभी के सभी साथी तीन सात दो इक्कीस सौ तीन सात इक्कीस सौ तीन को दे रखा है बेटा फ्राइडे क्या दे रखा है फ्राइडे ठीक है शुक्रवार अब आपको बताना है तीन सात दो इक्कीसो को कौन सा दिन था तो इसके लिए आप क्या करो बेटे यहां पर कितना ऐड हो रहा है डोरा? जीरो यहां कितना है जीरो कितना ऐड हो रहा है इसमें कितने साल आ रहे हैं बच्चों इसमें आ रहे हैं तीन साल बीच में और एक लीप ईयर होगा 2104 2104 एक, एक लीप ईयर आएगा बीच में तो एक लीप ईयर आ गया टोटल आप चार जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा जब आप चार जोड़ोगे फ्राइडे से अगला होगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे बाबू आंसर होगा मंगलवार 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 आंसर सही होगा सबका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बहुत बढ़िया शानदार आगे आ जाइए ये क्वेश्चन है सीजीएल का आंसर कीजिए मैं खुद एक 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 क्वेश्चन मैं खुद तैयार कर रहा हूं मैं माता रानी की कसम खाकर कह रहा हूं अगर तुम लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे बच्चों रोज तीन बजे मिलना है और रात में नौ बजे मैं आज रात में नौ बजे बता दूंगा तुम लोगों की यूपी पुलिस की क्लास कहां पर होगी और यही होगी एग्जामपुर पर ही होगी सुबह या शाम जो भी होगी मैं बता दूंगा साथ ही साथ आप सभी के लिए इस क्लास को मिस नहीं करना है नौ बजे वाली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है बेटे कल का होमवर्क भी बता दूंगा परेशान मत हो बेटे यहां पर ध्यान से देखो बोला हुआ है एन का विपरीत क्या होगा तो बेटा इन दोनों में के और के कॉमन है पकड़ के घुमा दो मेरे बच्चों पकड़ के घुमा दो ये वन कॉमन ट्रिक से आ जाएगा फ्रॉम द दिन के एन ए आगे आ जाइए फ्रॉम द दू के यू डब्ल्यू के यू डब्ल्यू तो बेटा जो जिसका विपरीत होता है वो आंसर आ गया आप सभी से एन का विपरीत पूछा था तो यू आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों यू आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चा यू आ जाएगा डन आगे आ जाइए भाई सभी के सभी साथी पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन आंसर कीजिए भाई जल्दी से सारे के सारे आंसर कीजिए भाई जल्दी से पेपर फोल्डिंग कटिंग का तो इजी क्वेश्चन है इसको कैसे करते हैं ये रंग बदल रहे हैं ये देखो कितना मतलब ये कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है तुम्हारे भाई नहीं बनाया ये मैंने कहा ये करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं पीपीटी के रूप में पहले नंबर पर फोल्ड हुआ दूसरे नंबर पर रिवर्स जाएगा कैसा जाएगा बेटा रिवर्स और जब ये रिवर्स जाएगा प्रतिबिंब रेखा यहाँ जाएगी ये यह त्रिभुज आ गया बेटा आप सभी के लिए त्रिभुज तो जाएगा, यहा जाएगा, जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ त्रिभुज नीचे की तरफ आएंगे ये दोनों यहाँ चार गोले होने चाहिए थे बेटा यहाँ चार गोले होने चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए उड़ा के चलो उड़ाते चलो उड़ाते चलो ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए अब कोई भी जाएगा नहीं उसका रीजन क्या बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम होमवर्क और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को भी होमवर्क से करोगे दीज टू क्वेश्चन आप सभी के लिए कल कल का एक क्वेश्चन था बच्चे कह रहे थे कि सर कल का क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो हमने होमवर्क दिया था और मैं कमेंट भी पढ़ूंगा इसीलिए आपसे कहता हूं मैं रोज कमेंट किया करो बेटा आप सभी के सभी साथी आप सभी के सभी साथी इसीलिए कहता हूं मैं रोज कमेंट किया करो बेटा मैं आपके कमेंट खुद पर्सनल लेवल पर चेक करूंगा मैं कल भी चे आज का भी चेक ये अपना स्पार्टी बॉय पढ़ा रहा बेटा लाइक वाइक कर दो इसे और हमने साइन इन नहीं कर, कर रखा तो इसीलिए बेटा लाइक न, नहीं होगा ये सभी के सभी साथी एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लो इस क्लास में बता रहा हूं मैं तुम लोगों को ध्यान से देखो बेटा इस वाली क्लास में किसमें ये तीन ब, जो रात में नौ बजे होगी ये क्लास जरूर करनी है सभी को बेटा ये वाली क्लास सभी को करनी है सारे के सारे ठीक है बच्चों अब आप सभी के लिए कल के जितने भी बच्चों ने कमेंट किए हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था या जो जब कोई भी जाएगा नहीं क्योंकि बहुत जरूरी ये कल का है लगभग लगभग साथियों जी क्यों रो ही ये चल क्यों नहीं रहा है भाई रुक जा जरा एक बरस सारे के सारे हाँ भाई ये आप सभी के लिए लगभग लगभग बहुत बढ़िया साथियों 22 कमेंट हुए जिसमें हर्ष का आया Uh, साथियों स्पीकर कोई है ये स्कीपर डुगू का आंसर आया विवेक का आया धनुष का आया संगीता का मोनी का की, दीप का कमल का रॉयल का कमल का साथियों शरद का मीना जी का अवनीश का वीरेंद्र जी का प्रमोद का हेमा का प्रमोद गुलशन ठीक है भाई कल का जरा एक बार देख लेते हैं सभी के सभी साथियों से कहूँगा कल का एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क से कौन सा होमवर्क से दिया था मैंने क्वेश्चन ब्रे यो वाला क्वेश्चन ना हुआ तुमसे लो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क से मैं दे रहा हूं कौन सा यह कल का दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन ठीक है बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना बाबू इस क्वेश्चन में देख रहे हो दो जी तीन एक साथ दिख रहे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन था बेटा ये वाला ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ था यहां पर अगर आप देखोगे मेरे बच्चों ये लास्ट के दो उठ के पहले आ गए लेकिन एन ए का ए एन हो गया फिर एसओ उठ के पहले आ गया बाबू ए एन के बाद में है देखो इसके बाद में तो एसओ का ओ एस हो गया अब ई आर उठ के पहले आ जाएगा लेकिन शुरू के चार सेम जाएंगे ये अब ई आर ई का आर ई हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा आर ई बेटा आर ई का ई आर का आरई हो जाएगा और यहां पर पी है तो इस प्रकार से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाता ठीक है ऑप्शन नंबर डी जाता है चलिए सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से सेशन को लाइक कर दो जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया सभी भाइयों से बस यही कहूंगा सेशन अच्छा लगाओ तो बेटा आप सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से इस भी क्वेश्चन का कल आंसर आप सभी के सभी साथी करके जाएंगे सेशन मुझे नहीं पता कैसा लगा आपको लेकिन बेटा आप सभी के सभी साथी सेशन को जरूर आप सभी के सभी साथी रोज देखिए बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों हम लोग बहुत लाजवाब तरीके से करते हैं और अगर कोई भी बच्चा हिंदी की जो है ये बुक मंगाना चाहता है बेटा अभी लॉन्च हुई है आप सभी के लिए भारत की बेहतरीन किताबों में से एक किताब है आप सभी के लिए मेरे बच्चों इस बुक को आप इनरोल कर सकते हो ले सकते हो मेरे बच्चों इस नंबर पर कॉल कर कर आप सभी के सभी साथी अभी ऑफर में चल रही है इसे आप सभी के सभी साथी एनरोल कर सकते हैं ठीक है बच्चों सभी भाइयों से बस यही कहूंगा आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथी हैं जुड़े हुए आप सभी के सभी साथी रोज मिलिए रात में नौ बजे और दोपहर तीन बजे आप सभी को मेरा नमस्कार जय हिंद कमेंट कर लाइक कर सेशन को फीडबैक जरूर देकर जाना कैसा लगा बेटा ठीक है बच्चों सभी भाइयों को मेरा नमस्कार जय हिंद